पार्टी का जो अनशन यहाँ चल रहा था, उनकी जो प्रमुख मांगे थी, उन मांगों के ऊपर भारत के कृषि मंत्री, मैं, हमारे संरक्षण राज्य मंत्री भारत सरकार और हमारे जल संपदा मंत्री, हमने बहुत प्रदीर्घ चर्चा अन्ना जी के साथ की और उस पर जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर आम सहमति बनाकर हमने उस पर निर्णय लिया है, जिसमें विशेष रूप से लोकपाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमने अन्ना जी को जो चिट्ठी दी है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जो सर्च कमेटी है 13/2/2019 को उसकी मीटिंग ली जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए उसका पालन करके उसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। अन्ना जी का दूसरा मानना ये था कि महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त का कानून है ये पुराना कानून है और नया कानून बनाया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में भी निर्णय किया, एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई है, ये जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी इसको तैयार करेगी और हमारा जो अगला सत्र आएगा उस सत्र में हम इसको इंट्रोड्यूस करके इसको मान्यता देंगे, ये भी हमने मान्य किया है। साथ साथ अन्ना जी ने किसानों के बारे में कई मांगे रखी हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो कृषि मूल्य आयोग है उसको स्वायत्तता का दर्जा दिया जाए।